तो आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी आलू चाट एकदम बढ़िया वाली मतलब फ्री फोकटे बैठे बनाते हैं आपके लिए रेसिपी तो आपको क्या करना है ना एक आलू लेना है और उसे छील लो और उसे है ना ऐसे ऐसे काट लो काटना आपके हिसाब से मेरे हिसाब से नहीं <laughs> तो आप जै आपकी जैसे भी ना श्रद्धा हो वैसे काट लेना लंबा लंबा भी काट सकते हो कैसे भी काट सकते हो छोटा छोटा भी काट सकते हो इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन कॉर्नफ्लोर और नमक लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर बस इसको अच्छे से मैंने पानी डाल के थोड़ा सा मिला के ना बैटर बना लिया मतलब बैटर नहीं थोड़ा सा ना थिक, थिक कर लिया है ना अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप आला रूट का या मैदे का या आटे का भी यूज़ किया जा सकता है कोई भी दिक्कत नहीं है <laughs> फिर मैंने क्या करा ना इसको फिर गर्म कर तेल में फ्राई कर लिया और क्या <laughs> ये क्या है ना तेल थोड़ा इस इस वजह से ऐसा है क्योंकि ये मैंने पहले भी इसमें ना कोई चीज़ है ना ब्रेड क्रम्स के तल दो ना तो उसकी तेल की खुलिया ही बिगड़ जाता है पूरा <laughs> ये तो बात है यार पर कोई बात नहीं तो फिर मैंने ना उसको तो तल के निकाल लिया फिर डालिए मैंने चॉप करे हुए टमाटर प्याज और हरी मिर्च फिर नींबू का रस और कोरिएंडर लीव्स जो कि हम देंगे ना बढ़िया वाला फ्लेवर नमक लाल मिर्ची पाउडर और फिर ये डाल दो आलू वाले तो बन चुके हैं यार ये चटपटा आलू चाट भी बोल सकते हो या चटपटे आलू बोल लो क्रिस्पी भी है और टेस्टी भी है ट्राई तो करना बनता है यार एक बार करके देखो यार मेरे कहने से बहुत अच्छे लगे मुझे तो